नमस्कार, मैं हरि कृष्ण मीना असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खगड़ा हूँ। आज हम पिछले लेक्चर में जो हम लोग एक जटिल पेपर चार्ट का डिजिटल अवलोकन कर रहे थे उसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से एक जटिल चार्ट का डिजिटल जानवर कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें डेल्टा जाल में जो तीन प्रतिभा उनमें से एक प्रतिभा अपने ज्ञान की चेयर थी। अब हमको अन्य प्रतिभा चेयर सी को चेयर भी ज्ञात करते हैं, तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास में ये चेयर के बारे में जैसे को यहाँ पे लिखते हैं, चेयर को यहाँ लिखते हैं, चेयर को लिखते हैं हमारा चेयर है, चेयर इक्वल टू चेयर टू कुर्सी माने चेयर में रखी, चेयर टू कुर्सी माने ये हमारा जेड का मान आता है। अब हम लोग चेयर ए और जेड बी का मान निकालेंगे। तो देखिए इस प्रकार से निकालते हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसको निकालने के लिए हम लोग जो ये हमारा चेयर को चीज जेड ओ चीज जेड का स्क्वायर है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है हमारी जेड ए जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। और यहाँ पे हमारे को नीचे हर में हमारे जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जेडी जेडी और जेडी आएगा। तो मल्टीप्लाई करके जेडी जेडी है और यहाँ पे जेडी जेडी है, नीचे एम टर्म है। हम लोग क्या करेंगे जेडन ओ सी में से इसको बता देते हैं, क्या करेंगे हम लोग जेडन ओ सी माइनस स्क्वायर ओ जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एल सी, इसको हमने करा दिया। तो देखो क्या बचेगा, जेवन ओ सी की रेशियो है हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो चेयर ए चेयर बी प्लस चेयर ए चेयर सी वन चेयर ए प्लस चेयर बी प्लस चेयर सी माइनस चेयर टू ओ सी जेवन ओ सी माइनस जेवन ओ सी का स्क्वायर। तो उसकी वजह से ये है जो हम लोग लिखते हैं माइनस चेयर ए जेड सी माइनस जेड ए प्लस अपॉन जेड ए प्लस जेड प्लस जेड सी चेयर ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं लिखते हैं देखो फॉर्म समान दोनों के पास समान है, यहाँ पे जेड ए जेड बी जेड ए जेड सी उसके लिए जेड ए जेड सी के लिए रहेगा हमारे पास क्या बचेगा डी इक्वल टू जेड वन ओ सी माइनस स्क्वायर ऑफ चेयर टू ओ सी चेयर ओ सी माइनस चेयर एल सी, इसका मान कितना आएगा हमारे पास में चेयर ये बढ़ने वाले चेयर ए चेयर बी जेड ए जेड बी पर चेयर बी प्लस जेड बी प्लस जेड। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है। अब देखो हम लोग वापस क्या करेंगे इस समीकरण में, इस समीकरण का बाहर लेंगे, जैसे ही इस समीकरण से बाहर लेंगे तो जेडी प्लस जेडी प्लस जेडी कैंसिल हो जाएगा और इस जेडी जेडी के जेड जेडी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा जेड सी बचेगा। तो इसका भाग्य के बारे में हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी आएगी जेड सी की आएगी। देखो हम लोग डिवाइड करके लिखते हैं इसके अंदर इसका बनाएंगे, तो देखो जेड टू ओ सी जेड वन एस सी ठीक है डिवाइड बाय
chair 1 OC minus square root of chair 2 OC chair 1 OC minus chair 1 LC. ओके इसका हमने बाहर लगा दिया इस समीकरण में बाहर लगा दिया तो ये समीकरण ये ऊपर रहेगा नीचे अब देखो जेड का डेरिवेटिव जेड की डेरिवेटिव जेड कर जाएगा और जेड का डेरिवेटिव कर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा ओनली जेड की बचेगा तो इस प्रकार से हमने क्या किया हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई जेड की वैल्यू आ गई अब हम लोग करेंगे जेड की वैल्यू लगा करेंगे क्या जेड की वैल्यू लगा करेंगे एक दिन में इस प्रकार से हमें जेड की जेड होती है कि इसको बढ़ाया था सब्सट्रैक्ट किया था उसी प्रकार से हम लोग जेड को होती है कि इसको बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें भी जेड का जेड का जेड और मेन एक्सिस है यहाँ पे जेड जेड की है और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके हम आता है जेड जेड की यहाँ आएगा और जेड की जेड यहाँ पे आएगा इसे एग्जाम करने आने वाले हैं मतलब ग्रेजुएशन कर लेगी तो हम लोग वापस कर सकते हैं ठीक है देखो किस प्रकार के करते हैं इसमें जो जेड जेड टू ओसी इसमें से जेड टू ओसी से जेड टू ओसी से ये टर्म कर रहे हैं ठीक है जेड टू ओसी जेड वन ओसी में क्या कर रहे हैं इसमें हमारे पास क्या है देखो जेड ए जेड की और जेड जेड की ठीक है तो हमारे पास में जेड ए जेड की जेड जेड की है हमारे पास में और जेड की जेड की है तो हमारे पास में ए यहाँ पे भी बन रहा होगा ठीक है क्या होगा जेड ए जेड की और जेड की जेड की जेड की जेड की और जेड की ठीक है उसके बाद में हमारे यहाँ पे नहीं है और इसके लिए कितनी अच्छी वैल्यू ये है तो मतलब जीरो की वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें से इसको बढ़ा देते हैं देखो जेड ए जेड की जेड ए जेड की मिल जाएगा यहाँ पे क्या बचना होता है जेड की जेड की ये हमारे पास जेड की जेड की मिलेगा ठीक है अब देखो ये हमारे पास जेड टू ओ सी का मान जेड टू ओ सी माइनस स्क्वायर रूट जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन ओ सी का मान कितना आएगा जेड से जेड भी अब इस समीकरण का वापस हम इस समीकरण में भाग देंगे तो देखो हमारे पास आगे जेड तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव इससे ये कट जाएगा और जेड की डेरिवेटिव जेड की और जेड की डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास इसकी वजह से ही जेड ही आएगा ठीक है हम लोग भाग लगाते हैं इसमें जेड टू ओ सी जेड वन एल सी इसके पिछड़ा भाग लगाएंगे लोग जेड टू ओ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड टू ओ सी जेड वन ओ सी माइनस जेड वन एल सी इसका भाग लगाएंगे इसमें इसका भाग आया तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा जेड जेड बचेगा हमारे पास में जेड भी जेड भी कैंसिल हो गया देखो ये टर्म है हमारे पास में ये पूरी टर्म है ठीक है जेड भी जेड की फॉर्म जेड का जेड इसके अंदर इसका भाग है हमारे पास सिर्फ जेड ही बचेगा तो हमारे पास ये जेड के का मान आ गया ठीक है इस प्रकार से हम देखते हैं कि जटिल जाल का हम लोग डेल्टा जाल में रूपांतरण करते हैं तो हमारे पास में इनके संगत राशि डेल्टा जाल में ये आ सकती है ठीक है फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं डेल्टा जाल में तीन सूत्र राशि जेड जेड भी और जेड से उनका मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो जेड का मान क्या आता है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा और ये तो जेड कितना है जेड जेड का मान क्या आएगा हमारे पास जेड को होती जेड का एंसर कौन जेड को होती माइनस स्क्वायर रूट जेड को होती जेड का एंसर माइनस जेड का एंसर जेड को होती माइनस जेड का एंसर और जेड का मान हमारे पास क्या आएगा ये आएगा जेड को होती जेड का एंसर अपॉन स्क्वायर रूट जेड को होती टाइम्स जेड को होती माइनस जेड का एंसर और जेड का मान क्या आएगा हमारे पास जेड का मान मिलेगा जेड को होती जेड एस सी अपॉन जेड ओ सी माइनस स्क्वायर रूट जेड ओ सी जेड एस सी जेड ओ सी माइनस जेड एस सी ठीक है इस प्रकार से हमें जेड ए जेड बी और जेड सी का मान याद कर लिया है हम करते क्या है कि जैसे हमारे पास में कोई जटिल जाल है क्या है हमारे पास जटिल जाल है
कहते ये हमारे पास में ये गतिविधियां है, कॉम्प्लेक्स मेंबर है, इसके टर्मिनल यूनिट एक है और इंटरनल यूनिट टू टू है। इसका हमने कितने पानी देगा, इसका हमने एक पार या डेल्टा डालकर पानी देगा, इसके तुल्य ये है। इसके भी टर्मिनल यूनिट वन वन है और ये टर्मिनल यूनिट टू टू है, इंटरनल यूनिट है। ये क्या है, सेकंड चार्ज है, चार है। तो इसके सिरों पे हम लोग इस युगम पे और इस युगम पे हम लोग ये चीजें याद करते हैं, ठीक है। और फिर इसके सिरों पे हम लोग ये चीजें बात ये बताएंगे समान याद करते हैं, हमारे पास ये आ गई है याद करते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे पास ये जैविक है, ये जैविक है और ये जैसे है, इसका मान कितना होना चाहिए, ठीक है। हम लोग वेरिएबल करके इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली याद करना चाहते हैं इसका मान कितना है। तो हम लोग इसको अभी अज्ञात मान करके मैथमेटिकल रूप से हम लोग लिखते हैं इसका मान कितना है, और उसके बाद में हम लोग समीकरण को सरल समझते हैं, दो तीन चार को हल करके हम लोग जैसे कैसे और जैसे का मान निकालते हैं। ये मान निकालते हैं हम लोग चेहरे करके जैसे इसके बाद हम तीन प्रतिपद यहाँ लगाते हैं, तो इस चार का व्यवहार होगा कैसे, इस चार का जो व्यवहार होगा उससे व्यवहार किसका होगा, इसके टेंशन पर मापे गुणता हुए व्यवहार पर मान उतने ही होंगे जितने कि सिंपल तीन प्रतिपद होंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं कि जटिल जाल का हम लोग सिंपल जाल में निरूपण कर सकते हैं डेल्टा जाल में, इसको डेल्टा या पाई जाल भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और लेते हैं, देखो हमारे जैसे में भी जैसे बहुत ही ज्यादा टेंशन है ऊपर, यहाँ पे भी जैसे बहुत ही ज्यादा टेंशन है, तो यहाँ पे भी जैसे बहुत ही ज्यादा टेंशन है। हम लोग क्या करते हैं, इस जैसे बहुत ही ज्यादा टेंशन है इसका मान में निकाल कर करते हैं, ठीक है। इसका मान क्या करते हैं, इसका मान निकाल कर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमने चाय को होती जगह एक्सिटी दोनों का निकाल कर रखा है। अब हम लोग को इसलिए नेचुरल निकलता है कि किसी भी जाल में इन दोनों को अगर यहाँ पे दो की जगह एक एक की जगह दो अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल को एक पर टेंशन नियुक्त करेगी और टर्मिनल को दो को नियुक्त करेगी, देखो यहाँ पे चाय वन टू थ्री चाय टू है, ठीक है। अगर फिर दो और एक और एक नहीं करते तो हमारे पास ये जो मापिक प्रतिभा जाएगी कभी तक अंदर लोगों में एक और दो को हो जाएगी, और हम देखेंगे कि हमें किसी बार देखा था कि ये और ये दोनों समान होती है, ठीक है। तो किसका मान तो हमारे पास जैसे होते जैसे ऐसे का मान तो नहीं आएगी हमारे पास, हालांकि हमने टी डेल्टा टी जाल में देखा था कि ये दोनों ये और ये समान होती है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं समान होती ही नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैरो कोटी को जैवन ओपनिंग को जैव टू एच इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ जेड़े जैविक का जैसे पांच जेड़े का जैविक का जैसे है हमारे पास है, जैव ए जैव बी प्लस जैव सी अपॉन जैव ए प्लस जैव बी प्लस जैव सी मल्टीप्लाई बाय जैव कोटि का मान क्या है, जैव कोटि का मान लिया जैव ही जैव की जैव ही जैव की अपॉन जैव बी प्लस जैव, ठीक है। सिंपल है, इसका मान ये रहा तो इसका मैं मान यहाँ पे तो जैव ही और जैव की से जैव ही का जैव की कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जय बी प्लस जय बी, ठीक है। तो हमारे पास जय को जय को इसका मान कितना गया,
या तीन डाल हमको पता है तो किस प्रकार से तीन डाल से कन्वर्ट कर सकते हैं।